चंदोसी नगर में सुभाष रोड स्थित मुख्य डाकघर पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे पिछले कई दिनों से लगातार मुख्य डाकघर पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। टोकन नंबर पहले आने की होड़ में सुबह के 4 बजे से मुख्य डाकघर पर लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं। दिन निकलने पर महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ जुट जाती है। टोकन लेने के लिए धक्का मुक्की का माहौल बना रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। वही अधिकांश लोग बिना मास्क के भी नजर आते हैं। आधार कार्ड बनाने आए कुछ लोगों के पास 1 नंबर के 2 टोकन देखने को मिल सकते हैं। एक व्यक्ति पर जिस नंबर का टोकन था, उसी नंबर का टोकन दूसरे व्यक्ति पर भी था, जिससे जब आधार बनवाने के लिए टोकन नंबर बोला गया तो दोनों ही विंडो पर पहुंच गए। जब मीडिया ने पोस्ट मास्टर साहब से सवाल किया तो उनका कहना था आधार कार्ड बनाने के लिए भीड़ अधिक उमड़ रही है, इसके अलावा 1 ही नंबर के 2 टोकन किसी को नहीं दिए जा रहे। लोग साइबर कैफे से फर्जी टोकन बनवा कर ला रहे हैं, जिन्हें चेक कर वापस भेजा जा रहा है। क्या समस्या है? मुझे तो बस सारी नंबर लगवाना था आधार कार्ड, तो ये टोकन दिया है इन्होंने और इस पर 3:30 बजे का टाइम है और अब 4 बजे गए थे। मैं 1 घंटे से पहले से खड़ा हूँ लेकिन अभी तक नंबर आया नहीं। अभी तो 2 नंबर 4 नंबर ही चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ शुल्क लिया जा रहा है क्या? हाँ, 120 रुपए ले रहे हैं और ये बल्ब दे रहे हैं एलईडी। अच्छा, 120 रुपए ले रहे हैं और एक बल्ब दे रहे हैं, एलईडी बल्ब दे रहे हैं और बस ये दे रहे हैं। कितने टोकन थे? नहीं पता, वो खड़े होते हैं हमारा ही 5 नंबर का, हमारा ही 5 नंबर का, तुम्हारे पास कहाँ से लाइन लाइन में लग कर लिया था तो वो चले गए। तो 2 व्यक्ति पे 5 नंबर के टोकन थे एक जैसे, और 3-4 के भी थे ना जी। तो अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम बार बार जनता से अपील कर रहे हैं लेकिन वो उसका पालन नहीं कर रही है। इसको हमने प्रशासन से मदद मांगी लेकिन प्रशासन भी इस मामले में असफल रहा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका सवाल है कि जो है 120 रुपये हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है 120 रुपये ले रहे हैं। हम जो है जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारे पास सरकार की ओर से बल्ब बेचने को, बल्ब, पंखे, सैनिटाइजर, गंगा जल सभी बेचने को आया है और वो हमें बेचने हैं, विभाग का प्रोडक्ट है, वो हमें बेचने हैं। तो हम अनुरोध कर रहे हैं, जो स्वीकार कर लेता उसे बेच देते हैं, जो नहीं करता उसे मना कर देते हैं, उसे नहीं देते। आगे गंगा जल, गंगा जल भी बेच रहे हैं, 30 रुपये की बोतल है हमारी। अच्छा, और हमने उसके लिए बाकायदा डेमो पैम्पलेट वगैरह सब लगा रखे हैं गैलरी में। जैसे कि अभी डबल पर्ची मिली है, 1 नंबर की 2-2 पर्चियाँ, उस पर क्या कहेंगे आप? डबल पर्ची का मामला मुझे आप ही से संज्ञान में अभी आया है। नहीं, मुझसे नहीं, मेरे आप ही से संज्ञान में आया है मुझे, है नहीं। लेकिन ऐसा कोई डबल पर्ची का कोई व्यक्ति मेरे पास डबल पर्ची लेके नहीं आया है। एक व्यक्ति, एक पर्ची थी मुझ पर, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति तत्काल जैसे ही उसे पता चला कि प्रशासन अंदर का सख्त हो गया, वो भाग गया। हम उसे पकड़ने, जो पर्चियां आप ही के किसी विभाग के, मैंने वही मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे ही संज्ञान में आई वो व्यक्ति तुरंत भाग गया, क्योंकि वो नकली व्यक्ति था। उसे ये समझ में आ गया कि प्रशासन सत्य अंदर का, और ये जो डबल पर्ची छापी गई है ये किसी साइबर कैफे वाले के द्वारा छापी गई है, क्योंकि प्रिंट तो, फोन तो सभी के एक से एक कंप्यूटर पे है। तो 4 नंबर की बात है, भी एक एक लड़की खड़ी थी, उसने बताया 5 नंबर और भी। हाँ, वो भी मैं आप अभी जानकारी कर रहे थे जब, हाँ, तो वो किसी साइबर कैफे वाले ने करी है। अब इसके लिए कुछ और विकल्प सोचेंगे, क्योंकि ये आज ही की घटना घटित हुई है। अब इसके लिए कुछ और सोचा जाएगा जिससे ऐसी कोई घटना अन्य ना घटित हो।